नमस्कार। सबसे पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखिए। यह दृश्य तीसरे वर्ल्ड वॉर की शुरुआत की ट्रेलर हो सकता है। अमेरिकी बॉर्डर से मात्र 180 किलोमीटर की दूरी पर रूस ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों से लदे जहाजों और पनडुब्बियों को पहुंचाना शुरू कर दिया है। ग्लोबल आइज के इस पोस्ट से बिल्कुल साफ है कि दुनिया में एक नया बवंडर मचने जा रहा है। रूस के युद्धपोत न्यूक्लियर सबमरीन और हाइपरसोनिक मिसाइल्स एक साथ अमेरिका के बॉर्डर पर तैनात हो रहे हैं। यह कोई इत्तेफाक की बात नहीं है, बल्कि पुतिन का वर्ल्ड वॉर 3 प्लान एक्टिवेट हो चुका है। अब अमेरिका को पता चलेगा कि दूसरे के बॉर्डर पर हथियार और परमाणु मिसाइल तैनात करने का दर्द क्या होता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन को अब नाटो की तरफ से खुली छूट मिल चुकी है। उसे लंबे लंबे हथियार दिए जा रहे हैं ताकि वह रूस के अंदर घुसकर हमला कर सके। ऐसे में पुतिन भारत की तरफ नजर गड़ाए बैठा है। उन्हें उम्मीद है कि जैसे रूस ने 1971 में भारत की मदद की थी, इस मुश्किल घड़ी में उन्हें भारत की तरफ से मदद मिलेगी। देखिए, भारत पुतिन को दवाई भेजने के लिए तैयार है और भेजे भी है। छोटे मोटे हथियार और इक्विपमेंट्स भी भेजे हैं, लेकिन बर्मोस पिनाका और आकाश जैसे भारी भरकम हथियार भेजने से डर रहा है, क्योंकि पश्चिमी देशों का कठिन पहरा लगा हुआ है। यूक्रेन के पास F-16 जैसे घातक लड़ाकू विमान पहले से ही मौजूद है, लेकिन अब फ्रांस ने भी यूक्रेन को अपने मिराज 2000 लड़ाकू विमान दे दिए हैं, जिसका भारत ने कारगिल से लेकर बालाकोट एयर स्ट्राइक तक में इस्तेमाल किया है। इस समय पश्चिमी देशों की हिम्मत इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि पुतिन ने हाल ही में यह साफ कर दिया कि करंट सिचुएशन में न्यूक्लियर हमला करने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। जैसे ही अमेरिका और जर्मनी ने यूक्रेन को खुली छूट दी है और अब वे उनके लॉन्ग रेंज हथियारों से रूस के अंदर घुसकर हमला कर सकता है, ठीक वैसे ही पुतिन ने अमेरिका को अपना एक दुश्मन देश घोषित कर दिया। और अब अमेरिका के नजदीक क्यूबा में रूस के गोला बारूद पहुंचने लगे हैं, जबकि वहीं अमेरिका में आज भी काफी लोग रूस से ज्यादा चीन को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। पश्चिमी देशों से फ्री हिट मिलने के बाद यूक्रेन का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है और वह अमेरिका और जर्मनी के हथियारों से रूस के अंदर तकरीबन 600 किलोमीटर से भी ज्यादा सीमा के अंदर घुसकर रूस के मिलिट्री स्ट्रक्चर को तबाह कर रहा है। हाल ही में CNN समेत दुनिया भर के वर्ल्ड मीडिया इसे रिपोर्ट कर रहे हैं कि कैसे यूक्रेन ने रूस के अंदर घुसकर उसके एयरबेस पर हमला करते हुए रूस के सबसे एडवांस लड़ाकू विमान Sukhoi-57 को तबाह कर दिया। इसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। इतना ही नहीं, कुछ समय पहले यूक्रेन ने रूस के रिफाइनरी पर भी हमला किया था और उससे भी पहले क्रीमिया में S-400 को भी तबाह कर दिया था। अपनी आंखों के सामने अपने मिलिट्री स्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक हथियारों को तबाह होते देख पुतिन बौखलाए हुए हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब वे उन सभी देशों को हथियार सप्लाई करेंगे जो पश्चिमी देशों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि अब रूस की तरफ से नॉर्थ कोरिया, ईरान समर्थित मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ साथ बेलारूस और क्यूबा जैसे देशों को भी हथियार मिलेंगे और वे निश्चित तौर पर पश्चिमी देशों को टारगेट करेंगे। पश्चिमी देशों के खिलाफ एक्शन लेते हुए हाल ही में रूस ने तालिबान को भी टेररिस्ट लिस्ट से बाहर निकाल दिया। इसका मतलब साफ है कि अब रूस तालिबान को खुलकर फंडिंग और हथियार देगा। उधर ईरान और तालिबान के रिश्ते भी मजबूत हो रहे हैं। इसके बाद अमेरिका के खिलाफ फिर से 9/11 जैसे हमलों का खतरा बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, हाल ही में खबर आई थी कि रूस ने अमेरिका के नाक के नीचे उसके बॉर्डर से सटे क्यूबा देश में अपने न्यूक्लियर सबमरीन तैनात कर दिए हैं। जिस प्रकार चीन ने अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया को परेशान करने के लिए नॉर्थ कोरिया को खड़ा किया हुआ है, ठीक उसी प्रकार अब रूस अमेरिका को परेशान करने के लिए क्यूबा, मेक्सिको और वेनेजुएला जैसे देशों का सहारा ले सकता है। यह तीनों देश अमेरिकी बॉर्डर के करीब है। आप सभी ने देखा कि कैसे रूस और अमेरिका के बीच टेंशन बढ़ती जा रही है। ऐसे में भारत के लिए मुश्किल दौर सामने आ गया है कि आखिर हम किसका साथ लें। पुतिन का साथ देने के लिए मोदी को 2024 लोकसभा चुनाव में बड़ी सजा मिल चुकी है। फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन सब ने मिलकर इस लोकसभा चुनाव में मोदी को हराने के लिए खतरनाक प्रोपोगेंडा चलाए थे, जिसके कारण मोदी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाए हैं। उसके अलावा हमने इस वीडियो में सबूतों के साथ विस्तार से डिस्कस किया है, आप इसे हमारे चैनल पर देख सकते हैं। भारत में लोकसभा चुनाव के दौरान रूस ने पश्चिमी देशों के इंटरफेस को लेकर सवाल भी उठाए थे।
रूस ने कहा था कि अमेरिका भारत के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, जिसे अमेरिका ने खारिज कर दिया था। लेकिन आप हमारे इस वीडियो में वे सारे सबूत देख सकते हैं जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि कैसे अमेरिका ने मोदी को हराया है, लेकिन फिर भी मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन बार बार भारत से मदद मांग रहा है। उसका कहना है कि उसका देश तबाह हो गया है, ऐसे में भारत की कंपनियां वहां आकर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, रोड, अस्पताल को रीडेवलप करने में उसकी मदद करे। यूक्रेन के लोगों का मानना है कि भारत युद्ध के दौरान लगातार रूस से तेल खरीदकर उसकी मदद करता रहे, मतलब कि भारत के पैसों से रूस ने यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। इसलिए अब यूक्रेन का कहना है कि हम पर जो हमले हुए हैं उसके पीछे भारत भी जिम्मेदार है, इसलिए अब भारत कृपया करके हमें फिर से बचाए और दोबारा जीवन जीने का मौका दे। अब आप मुझे बताइए कि क्या यूक्रेनी लोगों की यह सोच सही है? क्या भारत को यूक्रेन के रीडेवलपमेंट में पैसे खर्च करने चाहिए या नहीं? क्योंकि देखिए, यूक्रेन में रीडेवलपमेंट की हालत अच्छी नहीं है, उन्हें जरूरत के हिसाब से फंडिंग और इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हाल ही में यूक्रेन वॉर टाइम के रिकंस्ट्रक्शन प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया, मतलब यूक्रेन को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्ड करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण वे भारत के सामने नतमस्तक है। भारत में मौजूद यूक्रेन के एम्बेसडर बार बार मोदी से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया करके एक बार यूक्रेन चलिए, शांति करवा दीजिए और रीडेवलपमेंट में मदद कीजिए। जैसे ही मोदी ने लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की, ठीक वैसे ही खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मोदी को फोन करके बधाई दी और कहा कि प्लीज स्विट्जरलैंड में आयोजित शांति सम्मेलन में जरूर आए। उन्होंने मोदी को यूक्रेन आने का भी न्योता दिया। स्विट्जरलैंड ने कंफर्म किया है कि 15-16 जून को आयोजित शांति सम्मेलन के लिए 90 देश रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, लेकिन इस शांति सम्मेलन में रूस और चीन नहीं जा रहे। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत यहां जा रहा है या नहीं, क्योंकि भारत दुनिया भर में शांति की वकालत करते आया है। ऐसे में आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं कि क्या भारत को यहां जाना चाहिए या नहीं। यूक्रेन युद्ध के कारण इस वक्त दुनिया में कई चुनौतियां पैदा हुई है, जिसमें न्यूक्लियर अटैक, फूड सिक्योरिटी और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन भी शामिल है। दुनिया भर के सभी देश चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम से उन्हें छुटकारा मिले, इसलिए ज्यादा से ज्यादा देश शांति सम्मेलन में पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि स्विट्जरलैंड में इस शांति सम्मेलन से पहले चीन ने भारी मात्रा में साइबर अटैक और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का डर्टी गेम खेलना शुरू कर दिया है। हाल ही में हमने आपको यह खबर बताई थी कि नाटो का एक महत्वपूर्ण देश एस्टोनिया ने चीन के द्वारा किए गए साइबर हमलों से बचने के लिए भारत से मदद मांगी थी। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके व्हील्स। धन्यवाद।